नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास सिरमल्ले, आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। जे गुप्ता हाई स्कूल के प्राध्यापक के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। आसबीबी भिवंडी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित जे गुप्ता हिंदी हाई स्कूल के शिक्षक कमलेश यादव की पदोन्नति हुई, जिनके प्रधानाध्यापक पद की पर नियुक्ति हुई, जिसके उपलक्ष्य में उत्तर यादव युवा संघ द्वारा सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक कमलेश यादव को शाल पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह आज भी भिवंडी एजुकेशनल सोसाइटी के संचालक फारूक पठान के जन्मदिन पर उन्हें शाल पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय यादव महासभा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष व समाज सेवी अजय यादव, उत्तर यादव युवा संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य सूरजपाल यादव, संघ के भिवंडी जिलाध्यक्ष रामदेव यादव, उपाध्यक्ष लल्लन यादव, महासचिव श्यामलाल यादव, महिला अध्यक्ष श्रीमती सुखी देवी यादव, यादव समाज अध्यक्ष डॉक्टर एल यादव, मनोज यादव, सुनील यादव आदि संघ के लोगों के अलावा जिंदल प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक बाबू साहेब एस सिंह, संजय दुबे, शिव पूजन दुबे, अनिल श्रीवास, प्रमोद पांडे, अखलाक शेख, किरण शिवाले आदि शिक्षकों के साथ स्कूल के कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य सूरजपाल ने किया है। चलिए देखिए इस कार्यक्रम के कुछ झलक। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो आचार्य सूरजपाल जी, रामदेव यादव जी और आज के सत्कार मूर्ति यादव जी, सबका यहाँ से स्वागत करता हूँ। और ये बड़े खुशी की और गौरव की बात है कि आज हम लोग कमलेश यादव जी के जे गुप्ता हिंदी हाई स्कूल के मुख्याध्यापक बनने के अवसर पर, शुभ अवसर पर बधाई देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और दोहरी तेरी खुशी इस बात की भी है कि संयोग से आज ही के दिन फारूक सर का भी जन्मदिन है, संयोग से प्रवृत्ति करेगा। तो आज ये खुशी में और भी खुशी सम्मिलित हो गई, इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं श्री कमलेश यादव जी को जानता हूँ, तो जब से ये भिवंडी आए हों तभी से हमारे संपर्क में है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ही सिंसियर और एक गणित और चीज़ों के मतलब तो कहते हैं प्रतिभावान एक शिक्षक रहे हैं। और इनके इस समय मुख्याध्यापक बनने से निश्चित रूप से यहाँ के विद्यालय को और विद्यालय की पढ़ाई लिखाई का जो स्तर भी है उसमें भी और इजाफा होगा, क्योंकि साथ ही ये विद्यालय ऐसे इलाके में बना हुआ है कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छे परिवार या संपन्न परिवार के लोग नहीं आते हैं। यहाँ पे अगल बगल जितनी जो पट्टी या गरीब आदमी उनके बच्चे जो यहाँ पे आकर के जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, तो यहाँ जो अपने यहाँ शिक्षक हैं वो उस ढंग से इनका तैयारी भी कराते हैं कि वो कहीं किसी से पीछे ना रहे। और इस चीज़ों को लगातार कमलेश जी के आने से ये परंपरा का लगातार निर्माण होता रहेगा और दिनों दिन प्रगति करता रहे ये विद्यालय, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। इनको शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और आज मुख्य कारण ये है कि हमारे
हमारे पेशेंट उसका हित है ज़्यादा प्रकोप जो हमने ज़्यादा की नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति के इसमें आए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं एक अपेक्षा रखूँगा मुख्याध्यापक महोदय से कि एक मुख्याध्यापक पद का जो गरिमा रहती है उस गरिमा को बरकरार रखते हुए उसके जो कार्य का निर्वहन आप अच्छे ढंग से करेंगे। अपेक्षा रखते हुए आपको मुख्याध्यापक पाल के लिए बधाई देता हूँ। तो मैं कमलेश यादव जी से अपेक्षा रखता हूँ कि टीचरों का मान सम्मान रखते हुए अनुशासन के साथ बच्चों के जीवन धारा जो होती है आज यही से बच्चे IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर से निकलते हैं उनको बच्चों को संवारने के लिए अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। कमलेश यादव से ही मैं इच्छा करता हूँ। जय भारत। पार्टी के सचिव फारूक प्रधान सर, बिंदल विद्यालय के अध्यापक एवं हमारे शिक्षक बंधु एवं यादव समाज के जो प्रमुख हस्तियां यहां पर हैं उनका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वे यहां पर आए और लोगों का सत्कार एवं उत्साह बढ़ाए इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर जो पद मुझे मिला है पद के अनुरूप हमारे से प्रमोशन हुआ है। शिक्षक जो होता है शिक्षक की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। शिक्षक जो होता है वह सिर्फ ज्ञान का स्रोत होता है। हम एक दीपक होते हैं जो जलते हैं और प्रकाशित करते हैं। हमारा जो ज्ञान है हम ज्ञान को बांटने का काम करते हैं और एक शिक्षक ये होता है कि एक शिक्षक ही आज के ज़माने में ऐसा है कि वो सोचता है हम जो भी हमारे पास है वो हम अपने बच्चों पर निछावर करते हैं। वो पूरी तरह से उसको दे देना चाहते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट मुझे मिला है उस पोस्ट के अनुरूप हम यहाँ पर अपने आप को पालक समझते हैं। पालक का मतलब होता है कि बच्चे हमारे आकर के हमसे जो भी शिकायत है जो भी समस्याएं हैं सुने हम उसको सुलझाएं। हमारे जो शिक्षक हैं उनकी भी समस्याएं हो सकती हैं हम उनको भी सेटिस्फाइड करें। पोस्ट मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेटिस्फाइड ना करें क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम किसी को चाह करके भी सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं जो है पूरी ईमानदारी से हम अपने इस पद का गरिमा बनाए रखें। और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यादव समाज जो है यहाँ पर जब जब भी हमें आवश्यकताएँ होंगी हमें कुछ समस्याएँ होंगी आप लोग सहयोग।